नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा। सीमा के चैनल पर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है, जो कि मैंने आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा ये मुद्दा है कि सबको वाइटनिंग 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 लगी रहती है। सो आज मैं वाइटनिंग फेस, यकीन मानिए, ट्रस्ट में कोई जोक नहीं है, कोई वो नहीं है, पूरा एक्सट्रेटर है, स्टंट देने वाला है ग्लोइंग आपके फेस पे, और आप अपने फेस को बहुत ही अच्छा निखार सकते हैं। पार्टी किसी भी फंक्शन में जाने से पहले आप इसे ज़रूर एक बार अप्लाई करिए, और आपके चेहरे को ये डबल निखार देने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि फेयर लवली के बारे में सभी जानते हैं, तो सो मैंने SD जो अभी फेयर लवली चले हैं मैं वही ली हूँ, आप भी ले सकते हैं ये वाला। और इसके लिए मुझे खाली कटोरी चाहिए, ठीक है, और मैं इसमें एक चम्मच ऐड करूँगी फेयर लवली। आप कोई सा भी वाइटनिंग क्रीम भी ले सकते हैं, मैं इसमें फेयर लवली ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच इसके लिए चाहिए हमें फेयर लवली, इसको हम ऐड कर देंगे। सो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रखा है, मैं पतंजलि का ही एलोवेरा बहुत यूज़ करती हूँ। सो मुझे यही पसंद है, आपको जो पसंद हो एलोवेरा जेल प्लांट का जो भी हो। सो फनी सा आवाज़ आ रही है क्योंकि एलोवेरा जेल मेरा ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, हाफ चम्मच ही चाहिए। इसे मैं ऐड कर दूँगी एलोवेरा जेल, ठीक है, एलोवेरा जेल मैं इसमें ऐड करूँगी। और एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है, वो है नींबू, हाफ नींबू इसमें आप ऐड कर दीजिए पूरा, इसमें आप हाफ नींबू पूरा ऐड कर दीजिए। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, वो है जो है मुल्तानी मिट्टी, ये मैंने हाफ ले रखा है मुल्तानी मिट्टी, आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठीक है, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मैं इसे आपको अप्लाई करके बताती हूँ कैसे लगाना। ठीक है, आप अपने फेस पे ब्रश की मदद से या फिर हैंड्स की मदद से आप इसे अपने हाथों पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हाथों निकल रहा है, आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आज मैं फेस दिखा के वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रेडी नहीं हो पाई थी, आज मुझे बहुत सारा काम था, तो मैंने कहा वीडियो शेयर करना, मैं कल भी वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी, सो इसी वजह से मैं आज जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम थे आज, तो मैं रेडी नहीं हो पाई हूँ। सो ऐसे ही पूरे फेस पे आप अप्लाई कर लीजिए, और इसको आप सूखने तक लगे रहने दीजिए, आपको इसको 20 से 25 मिनट तक लगे रहने देना है, और ये बहुत ही अच्छा ग्लो आपके फेस को देने वाला है। ठीक है, तो हम इसको सूखने देते हैं, फिर आगे मैं बताती हूँ। ये देखिए ये सूख चुका है, अब मैं आपको इसको धो करके बताती हूँ। तो आपको ऐसे नहीं धोना है, आपको अपने हाथों से इसको मसाज करनी है, ये देखिए, तो इसको हाथों से मसाज करनी है, ये ठीक है, इसको अपने हाथों से मसाज करिए 1 से 2 मिनट तक, फिर उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे आपको धो करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपको फ़र्क भी दिख रहा होगा मेरे इस हैंड से, ठीक है, आपको इधर से इधर में फ़र्क दिख रहा होगा, यहाँ से इधर तक देखिए बहुत ही ज़्यादा ग्लो हुआ है मेरा हैंड्स, बहुत ही ज़्यादा। आप ऐसे ही अपने फेस पे अप्लाई करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देने वाला, बहुत ही अच्छा ग्लोइंग आपके फेस के देने वाला। आप चिंता मत करिए, कैसा भी फेस हो आप उस पर अप्लाई कर लीजिए, आपके सारे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और ये आपको ग्लो भी देगा, इंस्टेंट ग्लो तुरंत देने वाला है ये, और आप इसे अप्लाई कर लीजिए। और मैं उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी आप सबको। ठीक है, तो अब मैं आऊँगी ऐसे वीडियो के साथ और हाजिर होंगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती हूँ जो आपके फेस पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना देने वाला हो। ठीक है, अब मैं आऊँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।